सवाल नंबर 14, 14 का ए। एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 घन मीटर तथा आधार का व्यास 14 मीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्राप्त कीजिए। यहाँ देखिए, यह एक समवृत्ताकार बेलन है और इसका आयतन दिया हुआ है 2310 घन मीटर। आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2310 घन मीटर। ठीक है, आयतन बेलन का ये होता है, इतना बराबर दिया हुआ है। फिर देखिए, आधार का व्यास आपको दिया हुआ है 14 मीटर, तो आधार का व्यास देखिए, ये आपका आधार का व्यास है 14 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है यानी कि 7 मीटर। ठीक है, तो कहता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ प्राप्त कीजिए यानी निकालिए, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि 2πRh आपको निकालना है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेंगे कि बेलन की ऊंचाई h मीटर है। आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 14, 14 का ए। जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि बेलन के आधार का व्यास बराबर 14 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? बेलन के आधार की त्रिज्या यानी कि r बराबर 14/2, इसको काट देंगे 7 मीटर। और देखिए, बेलन का आयतन बराबर 2310 घन मीटर, ये आपको दिया हुआ है सवाल में। अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, इतना बराबर दिया हुआ है 2310। पाई का मान होता है 22/7, आर त्रिज्या 7 है यानी 7×7 स्क्वायर है, तो 7×7, और एच तो पता ही नहीं है कितना है, इतना बराबर 2310। देखिए, 1/7 से 1/7 कट जाएगा, तो एच बराबर 2310/22 और 7× में है इधर आके बटा में हो जाएगा। देखिए, इसको काटते हैं 7 से, तो 7×3=21, 2 और 1=21, फिर 7 से काटेंगे तो 7×3=21, 1 0 है तो 1 0, यानी कि जब आप इसको 7 से भाग देंगे तो इतना बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 330 है और यहाँ पे कितना है? 22 है, तो 22 से जब इसको हम काटेंगे तो ये 15 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ देखिए, 330 को जब 22 से भागा देंगे तो 15 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो h बराबर आया है 15, यानी कि बेलन की ऊंचाई है 15 मीटर। यहाँ देखिए, h बराबर 15 मीटर हम निकाल लिए, तो कहता है कि इसका वक्र पृष्ठ प्राप्त कीजिए, यानी कि 2πRh का मान निकालना है। तो यहाँ पे निकालते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πRh, 2π का मान 22/7, त्रिज्या है कितनी? तो देखिए, r है 7 मीटर, तो यहाँ 7 लिखेंगे, ऊंचाई है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15, 7 से 7 कट जाएगा। देखिए, 15 को 2 से गुना करेंगे तो 15×2=30 और गुना 22, 22 को 3 से गुना करेंगे 66, 1 0 है तो 0, तो वक्र पृष्ठ कितना है? 660 वर्ग मीटर है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर 14 का बी। एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 448 पाई घन सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, यह एक समवृत्ताकार बेलन है और बेलन का आयतन आपको दिया हुआ है यानी कि पाई
आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर यह फार्मूला होता है और इतना बराबर दिया हुआ है 448 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है ये आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको देखिए इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, मतलब सभी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें आर निकालना होगा कि आर का मान कितना है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 14 का बी, यहाँ लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर 7 सेंटीमीटर और बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन का आयतन 448 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का आयतन इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इतना बराबर है 448 पाई, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर गुना एच का मान देखिए 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7 बराबर 448, तो आर स्क्वायर बराबर 448 बटा, देखिए गुना में 7 है तो बराबर के इधर आएगा, तो ये बटा में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 448 को जब आप 7 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा 64 बार में, तो r बराबर जब स्क्वायर हटता है तो इधर वर्गमूल होता है, तो 64 का वर्गमूल यहाँ देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8, और वर्गमूल के अंदर में 2 का पेयर बनता है तो एक बाहर निकलता है, यानी कि 8, r बराबर 8 आ गया, यानी कि इस बेलन की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर पता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस, देखिए ये वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच और फिर इसका क्षेत्रफल, तो ये वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, देखिए 2 पाई आर एच है, इसमें भी 2 पाई आर, इसमें भी 2 पाई आर, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बच गया r प्लस इसमें बच गया h, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे संबेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, देखिए 2 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान देखिए 8 लाए हैं तो यहाँ लिखेंगे 8 आर प्लस एच, आर 8 है और एच का मान 7 है, 2 × 22/7 गुना 8 गुना देखिए 8 × 7 = 15। अब आपको क्या करना है, ये सभी को गुना करना है। ठीक है, यहाँ देखिए इसको पाई को पाई में ही रहने दीजिए, यहाँ देखिए 2 × 22/7 है तो इसका मान कितना होता है पाई होता है, और यहाँ पे 8 और गुना 15, क्योंकि आपका आंसर पाई में दिया हुआ है तो इसको हम पाई में ही रहने देते हैं। यहाँ देखिए 8 × 2 = 16 गुना 15 × π। अब इसको आप गुना करिए, 16 को जब 15 से गुना करेंगे तो आएगा 240 पाई है तो पाई, तो देखिए संबेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा।